नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे YouTube चैनल डायगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आपने 8वीं 10वीं या 12वीं पास किया और आप ITI में जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका जो आ गया है कि जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कब से कब तक आप फॉर्म भर सकेंगे, कैसे क्या कुछ प्रोसीजर इसका रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कि कॉलेज के साथ साथ ITI में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों की जो दौड़ शुरू हो गई है 27 जून से, जो ITIHaryana.gov.in पर जाकर आप अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकेंगे। तो जो फॉर्म है आपके वो भरे जाएंगे 27 जून से 12 जुलाई तक, ठीक है, ये रहेंगे आपके ऑनलाइन। तो 27 जून से फॉर्म शुरू हो गए हैं। देखिए 17 जुलाई को सभी राज्य की ITI में मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी, यानी कि जो इसका जो लिस्ट है वो आपकी 17 जुलाई को आ जाएगी कि आपका एडमिशन जो हुआ कि नहीं हुआ। दाखिले के लिए 4 राउंड की काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। इसके बाद में यदि सीट नहीं भरी तो गत वर्ष की तरह जो काउंसलिंग के राउंड भी बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि हो सकता है बाद में इनकी काउंसलिंग का जो जो टाइम है वो बढ़ा भी दिया जाए, यानी कि 4 से ज़्यादा भी काउंसलिंग आपकी हो सकती हैं। तो देखिए दाखिले के लिए इस तरह से तैयार हुआ शेड्यूल। 17 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जो आ जाएगी। मेरिट में आए विद्यार्थियों के दाखिले 18, 19 और 22, 23 जुलाई को जो है रिपोर्टिंग करके दस्तावेज आपके चेक करके जो है एडमिशन कर लिए जाएंगे, और 24 जुलाई को खाली सीटों का विवरण ITI में नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, यानी कि 24 तारीख को बता दिया जाएगा कि इन इन डिपार्टमेंट और भी खाली वैकेंसीज अगर रह जाती हैं। तो फिर 24 और 25 जुलाई को जो है विद्यार्थी खाली सीटों के हिसाब से अपने आवेदन में जो बदलाव उसे कर जो है लॉक कर सकेंगे। 26 को दूसरी बार मेरिट लिस्ट लगेगी और 29 और 30 जुलाई को और 1 अगस्त को जो है दूसरी मेरिट में आने वाले दस्तावेज जो है जाँच करवा कर दाखिला ले सकेंगे। तो 2 अगस्त को खाली सीटों का ब्यौरा जो है वो दोबारा से फिर लगाया जाएगा, और 2 से 4 अगस्त तक, ठीक है, 2 से 4 तक जो है विद्यार्थी दोबारा फिर से जो है अपने आवेदन में बदल कर कुछ उसमें जो है लॉक कर सकेंगे। तो 5 अगस्त को तीसरी मेरिट लिस्ट लगने के बाद 6 से 9 अगस्त तक विद्यार्थी ITI में जो है दस्तावेज जांच करवा कर जो है दाखिला फिर से ले सकेंगे, और 10 अगस्त को जो है सभी ITI में खाली पदों का जो विवरण दर्शाया जाएगा। इसके बाद जो है 3 दौर की काउंसलिंग के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो 13 और 14 जुलाई को जो है 70% से अधिक अंक वाले जो विद्यार्थी हैं उनको दस्तावेज सहित जो है वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी और उन्हें दाखिला जो है डायरेक्ट ही मिल जाएगा अगर 70% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो, ठीक है। 16, 19 और 21 अगस्त को 70% से नीचे वाले सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा शेड्यूल। तो इस अगर फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपका टाइम रहेगा सुबह 9 बजे का, ठीक है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप जो है अपनी इन यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है पहुँच जाएगा, जो तारीखें मैंने अभी आपको बताई हैं। धन्यवाद।